खबर रायपुर से। राजधानी में अब संविदा कर्मचारी भी हड़ताल पर, वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारी। 22 से 25 अगस्त तक तिरंगा पट्टी लगाकर काम करेंगे, उचित कार्रवाई नहीं होने पर 26 अगस्त को पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। अब इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो सकता है। राजधानी में अब संविदा कर्मचारी हड़ताल पर। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में जगह दी है, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी समय समय पर इस पर अपनी सहमति व्यक्त करते रहे हैं और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, परंतु विडंबना यह है कि सरकार के गठन को 4 साल हो चुके हैं और कमेटी को भी बने काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है और नियमितीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई हमको अभी शुरुआत नहीं दिखाई देती है। इससे समस्त संविदा कर्मचारियों में काफ़ी रोष और निराशा का माहौल है और इसी रोष और निराशा के माहौल को देखते हुए छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 22 अगस्त से 26 अगस्त तक ध्यानाकर्षण अगस्त सप्ताह मनाने का निर्णय लिया हुआ है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब संविदा कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं, हड़ताल पर उतरेंगे। राजधानी में अब संविदा कर्मचारियों की हड़ताल, वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी वेतन में वृद्धि की जाए और नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी।